नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस की। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि बस एक क्लिक करके आप अपना कोई भी सामान खरीद या बेच सकेंगे? लेकिन अब हमारा शॉपिंग और व्यापार करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब आपको घर के बाहर हर बार जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही सामान को खरीद और बेच सकते हैं। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वस्तुओं के अलावा सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया पर अपनी सर्विस या सेवा देना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इन सेवाओं के अंतर्गत इंटरनेट पर सामान को ऑनलाइन खरीदना, बेचना, मार्केटिंग करना, सामान को पते पर डिलीवर करना, ऑनलाइन बिल का भुगतान और पैसों का लेन देन, ये सब आता है। अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। इसकी शुरुआत 1979 में अमेरिका से हुई थी। इंटरनेट के जमाने में यही बिजनेस सबसे ज्यादा सफल होने वाला है। भारत में भी ई कॉमर्स बिजनेस करना फायदेमंद हो सकता है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि ई कॉमर्स कितने तरह के होते हैं। तो ये 6 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे बिजनेस को बेचते हैं। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हैं। C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। यहां बिजनेस कस्टमर के बीच होता है, इसलिए इसे C2C कहते हैं। और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रणाली में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। और आखिर में आता है C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कंज्यूमर और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ई कॉमर्स के टाइप्स के बाद अब आता है कि भारत में इसका स्कोप क्या है। अगर आप भी ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो इसका स्कोप भारत में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय ई कॉमर्स बाजार में 25% की दर से बढ़ रहा है। ग्रांट थॉर्टन के अनुसार भारत में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के 2025 तक $188 बिलियन होने की उम्मीद है। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, वैसे ही इसका असर ई कॉमर्स बिजनेस पर भी पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि ई कॉमर्स के फायदे क्या हैं। ई कॉमर्स के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ग्लोबल ऑडियंस, यानी सेलर और बायर्स सब जगह होते हैं। जहां आप चाहें वहां से सामान खरीद और बेच सकते हैं। प्रोडक्ट चॉइस, आपको एक जगह पर ही बहुत सारे सेलर्स मिलते हैं। इससे आपको प्रोडक्ट के ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, जो चाहे चुन सकते हैं आप इसमें। लो कॉस्ट, जब कंपटीशन बढ़ता है तो पैसे घटते हैं। इसका फायदा कंज्यूमर को होता है, उससे कम पैसे में ही वही सामान ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये थे ई कॉमर्स बिजनेस के फायदे। अब आपको बताते हैं ई कॉमर्स के कौन से वो प्लेटफॉर्म है जो आपके इस बिजनेस में आपको फायदा पहुंचाते हैं। ये प्लेटफॉर्म वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑनलाइन स्टोर बनाने में आपकी मदद करते हैं। जिनमें से 4 सबसे ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है शॉपफी। ये 2004 में बना था। शॉपफी को सबसे ज्यादा अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म माना जाता है, हालांकि ये बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। दूसरा आता है WooCommerce, ये दूसरे नंबर पर आता है। ये WordPress का प्रोडक्ट है। वैसे तो ये फ्री है, पर इसको चलाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होगी। अब बात करते हैं बिग कॉमर्स की। इसका इस्तेमाल थोड़े बड़े स्टोर के लिए होता है, जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन डालने होते हैं। Magento, इसमें काफी सारे टूल्स हैं जो मार्केटिंग, सर्च और इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कैटलॉग मैनेजमेंट के टूल देता है। जैसे कि बहुत सारे टूल्स हैं जो ये अपनी सेवा में देता है। Amazon, Flipkart, Snapdeal भी इसी लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको बता दें कि क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ सकती है इसमें। क्रिएट अ बिजनेस प्लान एंड मॉडल। सबसे पहले आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक परफेक्ट बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल तैयार करें। अब बारी आती है अपना बिजनेस का नाम चुनने की, इसलिए अपने बिजनेस का एक ब्रांडेड नाम चुनिए।
व्यवसायिक नाम हमेशा जरूरी होता है क्योंकि ये मार्केट में आपको एक पहचान दिलाता है कि आप क्या बेचना चाहते हैं। ये आपके व्यवसाय की कानूनी पहचान होगी। आप जो भी नाम सोचेंगे या यूज करेंगे वो आसान, सरल और अलग होना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता। बिजनेस का नाम रखने के बाद आपको एक कंपनी को रजिस्टर करवाना है। इसके बाद आपको एक डोमेन सेट करना है, यानी कि वेबसाइट बनानी है। आप अपने व्यवसाय के नाम पर एक डोमेन नाम यानी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये आपके और आपके ग्राहकों के बीच कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है। ये हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पर ग्राहक आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं और अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो इसे यहाँ से खरीद भी सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड रजिस्टर द टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए कि किस तरह का काम आपको सबसे अच्छा लगता है। इससे आपका व्यवसाय करने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, अब आता है कि आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा क्योंकि आप बिना बैंक अकाउंट के ई कॉमर्स का जो व्यवसाय है वो नहीं कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के लिए आपको व्यवसाय का एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि EIN की जरूरत होती है। ये नंबर पहचान का काम करता है। इसके बाद आपको कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने होते हैं। हर देश के अपने नियम और कानून होते हैं जिनका हर नागरिक को पालन करना चाहिए। ये भी उन चीजों में से है जहां एक जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरत होती है। ऐसा नहीं करने पर सरकार के पास आपके ऊपर जुर्माना या जेल भेजने जैसे अधिकार भी होते हैं। ई कॉमर्स का विस्तार फ्यूचर में इंडिया में बहुत फैल जाएगा, जहां छोटे बिजनेसेस अपने आप को ऑनलाइन शॉपिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सी नौकरियां और व्यापार उत्पन्न हो रहे हैं, तो लोगों को इसका पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करने की सोचेंगे तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी या मदद के लिए आप कॉर्बिस टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।